नमस्कार दोस्तों, सीएलसी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार, टीम फिजिक्स सीएलसी से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हम गुरुनीति का अगला लेक्चर जो 11th है, करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है हमारा, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो लेके आए हैं। तो देखो, हमको दिया गया कि कॉपर वायर है जिसकी लेंथ 10 मीटर है एंड रेडियस 20, हैज एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस, अपन को क्या गिवन है आपको पता चला है। मैं पहले बोल देता हूं बेटा, आपको रेडियस गिवन था, तो रेडियस जो दी गिवन है 10^-2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ पाई। बेटा इससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा हमारा, पाई इंटू आर स्क्वायर, 10^-4 ओवर पाई। तो ये वैल्यू कितना आया एरिया का, 10^-4 मीटर स्क्वायर। बिकॉज रेडियस किस में दी गई है बेटा, अपन को मीटर में दी गई है, तो एरिया किस में निकाल लिया अपन ने, मीटर स्क्वायर में निकाल लिया है। ये हमारा एरिया हुआ। हमको क्या बोला गया, करंट डेंसिटी की बात करें बेटा, जे की चर्चा करनी है। जे होता है आई अपॉन एरिया। सोच आई को क्या लिख सकता है, क्या वी बाई आर लिखा जा सकता है, क्या वी को लिख सकता है ई इंटू L, E into L by R into E। ये सारा डेटा आपको दिया गया है। A का वैल्यू आपने जो निकाला है अभी, वो A, E का वैल्यू आपको दिया गया है 10/10 दिया गया है। लंबाई कितनी दी है 10 मीटर, रेजिस्टेंस कितना दिया आपको 10 ओम, और एरिया कितना आ गया 10^-4। ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आया, 10^5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया, 10^5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यानी जो सवाल जुड़ा है वो करंट डेंसिटी का सवाल पूछा गया अपन से। नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखो बेटा अगला सवाल, अपन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया गया बेटा, अपवहन वेग जिसे अपन कहते हैं, अपवहन वेग का वैल्यू दिया गया है और विद्युत क्षेत्र दिया गया। दो चीजें अपन को दी गई है, एक विद्युत क्षेत्र दी गया है और एक अपवहन वेग। पूछा क्या गया आपको, मोबिलिटी, मोबिलिटी गतिशीलता। जैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स के बारे में अपन बात करें या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें, तो वहां पर हम गतिशीलता का नाम पढ़ते हैं मोबिलिटी का, म्यू से डिनोट करते हैं। अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दिया गया बेटा आपको, 7.5 × 10^-4 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया 3 × 10^-10 दिया गया बेटा। इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आएगा हमारे पास 2.5 एंड ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास 10^6, तो 2.5 × 10^6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड आ गया बेटा। यानी आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ आंसर हमारा किसके लिए आ गया है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अपवहन वेग का जो रेशियो हुआ वही मोबिलिटी कहलाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सवाल 13 में आया हुआ है, प्रतिरोध का सवाल जुड़ा हुआ हुआ। एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसे खींचकर कितना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। अभी आगे नया सवाल और आया हुआ है बेटा, मैं तो कहता हूं कि मान लो कि कोई भी वायर था, उसका रेजिस्टेंस जो हुआ वो रो एल अपॉन ए। बेटा लंबाई को, अब नया देखना, लंबाई को कितना कर दिया अपन ने, मैं कहता हूं 2 गुना कर दिया इसने, तो मैं कह रहा हूं एन गुना कर दिया भाई साहब। कितना गुना कर दिया भाई, एन गुना। तो बेटा जितना लंबाई हमारा बढ़ जाएगा उतना ही गुना एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया गुना एल आयतन जो होएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, एन गुना एल। ये लिख दिया, आयतन हमेशा सेम बना रहता है, तो यहां से ए डैस का जो वैल्यू आएगा वो ए बाई एन आ गया। तो जितना गुना हमारा लेंथ बढ़ जाएगा उतना ही गुना एरिया कम, तो एन स्क्वायर गुना आर। तो नया एरिया रेजिस्टेंस ये आ गया बेटा, कितना गुना कर दिया उसको, 2 गुना, 2 times इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन रेजिस्टेंस बिकम्स 4 times, तो 4 × 4 कितना हो गया, 16 ओम हो गया बेटा। ऐसा सवाल 2-3 बार पूछा गया है, आसान बात हुई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, देख लो ये रहा वो सवाल का आंसर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर ओम मेल्टेड स्ट्रेस टू एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन रेजिस्टेंस विल बिकम्स एन स्क्वायर इनटू आर। पहले वाले रिजल्ट का ही ये अपन ने देखा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कार्बन रेजिस्टेंस की अपन बात करते हैं, बीबी रॉय ग्रेट बॉय, ऐसा हम लोग लिखते हैं, बीबी रॉय ग्रेट बॉय हैव वेरी गुड वाइफ। ये 0 से चालू करते हैं, 1 2 3
थ्री फोर फाइव सिक्स। बेटा इसको 10 अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना है तो ये लिखा जाएगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये देखो बेटा इसको क्या लिखा गया, 47 किलो को 10 की पावर 3 लिख दो प्लस माइनस। बेटा परसेंटेज निकालोगे तो 4.7 इंटू 10 की पावर 3 और 47 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 100, ये किस में आ गया परसेंटेज। तो देख बेटा ये कितना परसेंट हो गया हमारा, 10%। तो 10% किसके लिए होता है भाई, सिल्वर के लिए। भाई जैसे आपने पढ़ा प्लस माइनस 5% होता है गोल्ड के लिए, 10% होता है एजी सिल्वर के लिए, प्लस माइनस 20% होता है नन ऑफ दीज के लिए। तो पहली बात तो बड़ा फोर्थ कलर कौन सा हुआ हमारा, सिल्वर। या तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, दो के अलावा तीसरा नहीं है, दो में से एक आएगा बेटा। गोल्ड तो है ही नहीं हमारा, गोल्ड कब होता जब ये 5% होता है यार। अब सुन यहां चलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 3, ये वाला। तो कौन सा कलर आया लास्ट में हमारा, तीसरा कलर ऑरेंज। इसमें भी ऑरेंज है और इसमें भी ऑरेंज है यहां तक। फिर चलते हैं बेटा 47, फोर नंबर देखो इसमें 0, 1, 2, 3, 4 कौन सा कलर है भाई, येलो। तो बेटा येलो कलर पहले आया आपका। 7 नंबर पर कौन सा आएगा, बीबी रॉय ग्रेट बॉय। तो बेटा ये हमारे पास वेरी गुड वाइफ, वी आएगा यहां, तो कौन सा कलर आ जाएगा, वो वोइलेट आ जाएगा। तो येलो वोइलेट, फिर कौन सा हुआ बेटा ये 3 ऑरेंज, फिर हुआ हमारा सिल्वर। तो हमारे पास में ये आंसर आ गया कि येलो वोइलेट ऑरेंज और सिल्वर, जो भी कलर आप यहां से देख सकते हो आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भाई सेल का सवाल। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सेल का जुड़ा हुआ नहीं, रेजिस्टेंस का है, सेल का है। देखो बेटा एन सेल एन इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ आर ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज बैटरी ऑफ ईएमएफई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। बेटा ये हमारे पास में एन रेजिस्टेंस है, ऐसे रेजिस्टेंस है, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, ये आर 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 है ना, एन इक्वल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है बेटा। ये ऐसे कितने हैं एन रेजिस्टेंस, ये भी आर हुआ ईएमएफ। तो करंट कितनी आएगी भाई, करंट आएगी ई अपॉन एन प्लस वन आर, टोटल रेजिस्टेंस ये हुआ। फिर बोला कि कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर इन सभी को पैरेलल में जोड़ दिया जाएगा तो करंट होएगी आई डैश। आई डैश को क्या लिखोगे, ई अपॉन आर बट्टे एन प्लस आर, ये लिखा जाएगा। यानी लिख दूंगा n इंटू ई अपॉन आर वन प्लस एन, ये करंट। क्या ये करंट तो पुराने वाली करंट हुई बेटा, तो हमने क्या लिखा इसको, n इंटू आई लिखा भाई। आई डैश का वैल्यू ये आया, उसने बोला कि जो नए सर्किट में करंट बहेगी वो कितनी बहेगी भाई, 10 आई बहेगी। तो n का वैल्यू कितना आया भाई, 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है बेटा, ये आपका डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला अपन को रटना होता है जनरली। ये जो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होती है कॉपर कंडक्टर के लिए वो इस तरह से हमारी बढ़ती है, सेमी कंडक्टर्स के लिए कुछ ऐसा फंडा हमारा दिखता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होती जाती है। तो हमारे पास कौन सा आंसर होगा, ये डायरेक्ट ग्राफ होगा आपका, यहां पर ऐसा बोला जाएगा कि रेजिस्टिविटी जो होगी वो बढ़ती गई टेम्परेचर के साथ में कंडक्टर के लिए, मेटल्स के लिए। तो ये किसकी बात कर रहा है, कॉपर में, कॉपर एक कंडक्टर हुआ, उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, वो बढ़ने का जो तरीका है वो हमारा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कलर कोड का सवाल आया बेटा, पहला येलो, फिर वही बात करता हूं, बी बी रॉय लिख लेता हूं बेटा, बी बी रॉय ग्रेट बॉय हैव वेरी गुड वाइफ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक। अब इसके साथ में हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी इसी का लिखेंगे। देखो बेटा ये हमारे पास पहला कौन सा कलर है, येलो कलर, फिर वोइलेट येलो कलर कौन सा आया बेटा, 4, फिर वोइलेट कौन सा आएगा, 7, ठीक है, इनटू, फिर कौन सा कलर है बेटा देखते हैं,
ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ब्राउन कौन सा हुआ बेटा, ये वाला हुआ। तो ये हमारे पास आएगा 10^1 प्लस माइनस, कौन सा कलर है गोल्ड, कितना प्लस माइनस 5%, ये हमारे पास क्लियर हुआ। अब सवाल का आंसर देख लो कितना हुआ, 470 ओम प्लस माइनस 5%, देखो 470 प्लस माइनस 5%। तो वही हमारा तरीका हुआ, इसको कोई सोचने की बात नहीं है, हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस को ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कॉएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर, जनरली तो बेटा कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर, जैसे आपने पढ़ा होगा आर इज इक्वल टू आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा होता है। लेकिन बेटा हम कहें कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या कम होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होगा, तो ये कैसा होगा हमारा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव की बात पूछी है कि नेगेटिव कब होगा हमारा, तो ये नेगेटिव होगा किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो बेटा सेमीकंडक्टर अर्धचालक के लिए हमारा नेगेटिव होता है जनरली, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुचालक होते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं, उसके लिए भी हमारा थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस कम होता है, जो सेमीकंडक्टर्स जो ये उसके लिए तो हुआ ही हुआ, लेकिन बहुत कम डिपेंडेंसी होती है किसकी, जो इंसुलेटर होते हैं उनके लिए, इसलिए इसमें शामिल किया गया है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शंस दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, बेटा मैंने बोल दिया कि 4 वायर है जिनमें से प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर है, उनको क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25, पैरेलल लगा दिया गया इन चारों को। बेटा चार रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाते हैं तो क्या हमारे पास होता है, देखो भाई जो पैरेलल रेजिस्टेंस होता है हमारा उसके लिए बात कर रहे हैं, हमने बोला बेटा कि आर अपॉन 4 इक्वल टू 0.25 ओम, प्रत्येक जो हुआ एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा, चार को लगा दिया, सब बराबर बराबर है, इक्वल रेजिस्टेंस, तो R by 4 इक्वल टू दिस, देन R इज इक्वल टू 1 ओम, ये एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना मिला बेटा वैल्यू 1 ओम मिला। अगर चारों को पैरेलल में लगाकर, अब किसमें लगाया गया है सीरीज में, अगर 1 ओम के रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस वाले को 4 को सीरीज में लगा दिया तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा भाई सीरीज के लिए, 4 ओम। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा, थर्ड आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमको दिया गया है कि R1, R2, R3 रेजिस्टेंस है, ये R1 है, R2 है, R3 है, ये करंट I1, ये I2 और ये I3 हुई। बेटा रेशियो निकालना है, कौन सा निकालना है, I3 और I1 का, I1 तो ये है। अब मैं आपको बताता हूं कि बेटा आप अगर इस करंट को डिवाइड करना चाहते हो तो I प्रोपोर्शनल होती है 1/R के, यही होता है सब जानते हैं। तो मैंने लिखा I3 अपॉन I2 इक्वल टू आएगा R2 बाई R3, ये तो हमारा रेशियो होगा, ये रेशियो होगा बेटा। हमको I3 निकालना है बेटा, I3 दे कैसे निकालूंगा मैं, इस रेशियो में डिवाइड कर दूं इस I1 को, मैं तो रेशियो में डिवाइड किया तो R2 बट्टे R2 प्लस R3 इंटू I1, इस I1 को नीचे ले जाओ तो आंसर क्या मिलेगा, R2 बट्टे R2 प्लस R3, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ, तो रेशियो मिल गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट डिवाइड का सवाल था, तापमान बढ़ने के साथ विद्युत प्रतिरोध का मान, बेटा टेम्परेचर के साथ में आपको बता दूं कि जैसे अपन पढ़ते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ML अपॉन NE² टाउ इंटू ए, अगर मैं बात करूं कंडक्टर के लिए, कंडक्टर्स के लिए बात करी जाए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन जल्दी जल्दी होगी बेटा, तो टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, टाउ कम हुआ तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर टाउ तो हो सकता है कम ही हुआ हो, लेकिन जो एन का वैल्यू होगा वो बढ़ेगा, कंपेरेटिवली इसका इंक्रीमेंट जो होगा एन का वो ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा हमारा, कम, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो पढ़ लेते हैं, इन डिक्रीज फॉर बोथ, गलत बात दोनों के लिए नहीं, इंक्रीज फॉर कंडक्टर बट डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर, यही आंसर हमारा सही हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, टू रजिस्टर्स
of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in an electrical circuit, the ratio of the thermal energy, बेटा thermal energy का जो formula होता है वो generally I square R into T होता है, लेकिन उसने क्या बोला, parallel connect किया गया, मैं तो कह रहा हूँ ये याद करो, thermal energy के लिए याद करो, क्योंकि parallel में लगाया है, तो क्या voltage same होना चाहिए बेटा, लेकिन series में होता तो क्या मेरा current same होता, तो ratio में ये कटने में आसानी होता, अब मेरा भी, तो H proportional किसके लिख दूंगा, 1 by R, H1 बट्टा, H2 बराबर R2 बट्टा, R1, क्या resistance हो गया हमारा कितना, 200 बट्टा 100, क्या 2 अनुपात 1 आएगा बेटा, तो 2 अनुपात एक, थर्मल एनर्जी का अनुपात आ गया हमारा 2:1 हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनको करने का तरीका क्या होता है कि इसमें एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ती जाती है और अनंत तक जा रही है बेटा, एक स्टेप बढ़ती जाती है और अनंत तक जा रही है, तो क्या करेंगे, जो स्टेप रिपीट हो रही है उसमें से एक स्टेप को बाहर मान लेते हैं. मैंने क्या मान लिया, यहां तक क्यों वैसा ही मान लिया, देख क्या लिखूंगा, अज्यूम अज्यूम आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एक्स कंप्लीट. सोचो एक समुंदर है, पानी का समुंदर हुआ, उसमें कोई भी कितना भी पानी था, सपोज करो कि एक्स पानी है, बड़ा होता है समुंदर, तो उसमें से एक बाल्टी बाहर निकाल ली, अब क्या कहोगे समुंदर को, समुंदर माइनस बाल्टी कहोगे कि समुंदर ही कहोगे, भी अभी भी समुंदर ही होगा बेटा, बहुत बड़े समुंदर में एक बाल्टी पानी की निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जो R इक्विवेलेंट इस कंप्लीट का था, क्या वही इक्विवेलेंट एक स्टेप कम करने के बाद जो बचेगा उसका होएगा, मतलब ऐसा लिख दूंगा, देखना मैं जो नया लिखा है मैंने उसको ये लिखा है बेटा, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और जो आगे जो पार्ट था हमारा जो हमने काट के रखा है उसको क्या लिखा है, एक्सी लिखा है बेटा. आर इक्विवेलेंट फॉर द कंप्लीट सर्किट इज एक्स, मैंने कहा पूरा समुंदर एक्स है, उसमें से एक बाल्टी पानी की बाहर निकाल लेंगे तो भी क्या होगा, एक्सी होगा, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट भी क्या होगा, एक्सी होगा, तो इसका इक्विवेलेंट इन दो का क्या होगा, ये पैरेलल में है, एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, ये दोनों पैरेलल में, फिर इस दोनों के साथ में सीरीज में, उसका टोटल कितना हो जाएगा, एक्स के बराबर होगा. अब इसको हल कर लो बेटा, एक्स प्लस एलसीएम लिया मैंने, 2x + 2 = x² + x, एक्स ने एक्स को मार दिया, तो यहां पर इक्वेशन मिल गई x² - 2x - 2 = 0. इसको हल करते हैं बेटा, x² - 2x - 2 = 0, तो क्या लिखेंगे बेटा x का वैल्यू, -b + √b² - 4ac / 2a. देखो सारी वैल्यू मैंने डेटा के अनुसार लिख दी, यहां से 2 कॉमन ले लो तो 1 + √3, माइनस लिखोगे तो रेजिस्टेंस माइनस, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो आंसर कितना आया हमारा, 1 + √3 ओम. तो बेटा आंसर आ गया 1 + √3 ओम, फर्स्ट आंसर करेक्ट है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पीयर एंड रेजिस्टेंस थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. बेटा एक कोई सेल है हमारा, इस सेल को हमने जोड़ दिया, ये कितने वोल्ट का है बेटा जी, 2.1 वोल्ट का, कितना ओम रेजिस्टेंस जोड़ा इसके साथ में, 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस क्या है R, इसमें कोई करंट वही कितनी, 0.2 एम्पीयर. बोला गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, तो क्या करें हम लोग, सीधा लिखें EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.2 एम्पीयर. अरे भाई करंट बराबर V बाई R होता है, R कितना, टोटल लिख दिया बेटा अपन ने, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 + 0.2 R, देखो सही लिखा क्या मैंने, इसको इधर लाऊंगा तो 0.1 = 0.2 R, देन R इक्वल टू 0.5 ओम, देख लेना कोई गड़बड़ ना हुई हो हमारी. तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया कितना, 0.5 ओम, ये आंसर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेल का हुआ बेटा, इसने बोला कि कोई भी बैटरी आंतरिक प्रतिरोध R वाले श्रेणी क्रम में समायोजित है,
कोई बैटरी आंतरिक प्रतिरोध R वाले श्रेणी क्रम में समायोजित N सर्वसम सेलो संख्या N परिवर्ती से बना बैटरी के टर्मिनल का लघुपतित कर दिया जाए, धारा I मापी जाती है, तो I और N के बीच में ग्राफ क्या बनेगा? बताता हूं बेटा मैं, क्या दिया गया इसमें पढ़ो बेटा। हमारे पास में ऐसे N सेल है, ऐसे कितने सेल हुए बेटा जी? N सेल है, उनको जोड़ दिया गया आपस में, ये सबका EMF E बोल दिया, स्मॉल r इनका रेजिस्टेंस हुआ। तो बेटा हम लोग लिखेंगे करंट, करंट लिखी जाती है टोटल EMF। अरे भाई सीरीज में सेम पोलरिटी में जोड़े गए बेटा, तो E प्लस E प्लस E प्लस क्या हो गया? Ne। और रेजिस्टेंस कितना हो गया? अरे भाई Nr। तो क्या आया? E बाई R। बता मुझे क्या करंट डिपेंड करती है N पर? नहीं, करंट N पे डिपेंड ही नहीं करती, तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा? करंट का N के साथ में कांस्टेंट ग्राफ आएगा। फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि ये सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट, 4 वोल्ट का सेल है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दिया गया है। देखो मैं बता देता हूं आपको, ये कोई सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध आपको दिया गया है, इसको कनेक्ट किया गया है 7.5 ओम के साथ, ये 0.5 ओम है, ये 4 वोल्ट का। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो विभांतर हुआ सेल पर, जो विभांतर हुआ है वो पूछा गया है बेटा। सबसे पहले मैं तो कहता हूं करंट निकाल लो, करंट का वैल्यू आएगा EMF 4 वोल्ट बट्टा रेजिस्टेंस कितना, ये 0.5 हुआ, रेजिस्टेंस कितना बेटा 8, तो ये आ गया 1/2, तो 0.5 एम्पियर। देखो भाई ये हमारा किसका वैल्यू आया? करंट का। अब सोच जितना वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस पे होगा, ये जीरो मान ले ये V, अरे तो V तो हमारा क्या हुआ? टर्मिनल वोल्टेज हुआ, तो V बराबर क्या लिख दूंगा? I इंटू R, 7.5 हुआ बेटा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, 5 5 25 2 7 5 35 36 37 12 3.75 वोल्ट। देखते कोई आंसर, ये रहा बेटा थर्ड आंसर, इसका करेक्ट आंसर हुआ। सेल के ज्यादातर सवाल आपको इसी तरीके के मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आया कि दो सिटी है, आर 150 किलोमीटर अपार्ट, इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू द कॉपर वायर, द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर। बेटा वन किलोमीटर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमारा कितना है? 8 वोल्ट है। और क्या बोला गया है? 1 किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है R, वो कितना? 0.5 ओम। तो बेटा मैं इस भाग में जो करंट बहेगी वो करंट बता सकता हूं, V बाई R। कितना आया बेटा? 16 एम्पियर। अब बताओ टोटल जो हुआ 150 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर पे कितना वोल्टेज है हमारा? 8 वोल्ट। ये तो वोल्टेज ड्रॉप, करंट कितनी बह रही है टोटल इसमें बेटा? 16 एम्पियर। तो पावर क्या होता है? V इंटू आई। वी कितना हुआ बेटा? ये 15 × 8, ये तो हमारा वोल्टेज इंटू 16 बेटा। ये आ गया समझ में? तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, ये तो जीरो ऐसा कैसा, 40 × 4 8 और 4 12 × ये हो गया हमारे पास में 16। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और 12 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहां पर, तो हल करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 19.2 किलो वोल्ट के बराबर बेटा। इसको हल कर लो, ये आएगा 19200 वोल्ट, तो 19.2 किलो वोल्ट हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, फिर से सवाल बेटा बल्ब का सवाल है। बल्ब के सवाल में आपको ये जो वैल्यू दी हुई होती है बेटा, इसे कहते हैं रेटेड वैल्यू, लिखा हुआ मान, अंकित मान, ऑपरेट वैल्यू। यह अधिकतम मान हुआ कि 100 वोल्ट पर इस बल्ब पर कितना वाट खर्च होगा? 500 वाट। उसने क्या बोला कि एक बल्ब है इस टू बी यूज 230 वोल्ट। बेटा एक जो बल्ब लिया अपन ने, ये जो लोटिया लिया आपने, ये लिया ये वाला, अब मुझे नहीं पता इस पे वोल्टेज कितना दिया गया बेटा, 100 वोल्ट वोल्टेज है, और ये जो अगला हुआ उस पे कितना कंज्यूम होगा? 130। ऐसा क्यों हुआ 130? क्योंकि आपने सप्लाई कितने की लगाई बेटा जी? 230 वोल्ट की लगाई। तो भाई यही हुआ,
बात करते हैं कि ये तो R हुआ और ये RB हुआ। बेटा RB का वैल्यू पहले निकाल लेता हूं मैं, क्या होगा V स्क्वायर बाई P। बेटा ये जो मान होता है, ये जो वैल्यू होती है, ये हमेशा आपको प्रतिरोध निकालने के लिए देता है। तो ये V, V का मान कितना है 100, 100 गुणा 100 बट्टे 500, 1, 2, 3, 5, 2, 6, 20 ओम। कितना आया बेटा, ये 20 ओम आ गया। सवाल क्या बोला गया है कि इट वर्क्स परफेक्टली, द बल्ब कंज्यूम्स दिस वॉट द वैल्यू ऑफ R, R का वैल्यू पूछा है। मैं कह दूं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो V समानुपाती R होता है। V1 बट्टा V2 बराबर R1 बट्टा R2। बोल V1 कितना वोल्ट है 100, V2 कितना वोल्ट है 130 बराबर R1 कितना ओम है 20, R2 तुझे निकालना है। तो 0 ने 0 को मार दिया, इस 0 ने इस 0 को मार दिया, तो R का मान कितना आया भाई 26 ओम। देख लो हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ बेटा ये कि हमारे पास में कि कैसे हम लोग वोल्टेज निकालें, कैसे हम लोगों ने वोल्टेज दिया। इसका मतलब था कि 500 वाट पर कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा, ये 100 वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो बाकी सारा कहां ड्रॉप होगा, एक दूसरे रेजिस्टेंस पर ड्रॉप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, फिर पावर का सवाल बेटा कि सिमिलर बल्ब है, सभी का प्रतिरोध कितना बेटा R, रेजिस्टेंस R बोला, EMFE 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां कोई इंटरनल नहीं है, E है बेटा। द रेशियो ऑफ पावर कंजप्शन बाय द बल्ब एट ऑल द ग्लोइंग, सभी के सभी बल्ब अगर जलेंगे तो सोच के देख, ये तीन तो कैसे हुए समांतर में, ये तीन भी समांतर में, तो एक का R है तो R by 3, ये कैसे हो गए फिर श्रेणी में। तो बेटा R परिणामी जो लिख दूंगा ना, वो लिख दूंगा कितना 2R बट्टा 3 हो गया। ये तो पहली कंडीशन के लिए, जब सभी के सभी बल्ब जल रहे थे। अब मैंने कहा दूसरी कंडीशन, वह परिस्थिति जिसमें A से तो दो बल्ब ले लिए और B से केवल एक बल्ब, B का एक बल्ब, बाकी सब फ्यूज हो गए बेटा, मान लेते हैं। तो ये R और R कितना R by 2, और ये सीरीज, ये वाला इन दो के साथ में सीरीज हो जाएगा बेटा, ये हमारा R2 बोल दिया, मतलब कितना आया 3 by 2 R। बता बेटा पावर, अगर देखो ये E तो सेम ही है दोनों कंडीशन में, तो पावर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 by R, क्योंकि वोल्टेज सेम हुआ तो हम लोग कहेंगे भाई ये आ गई कंडीशन। तो बेटा P1 by P2 इक्वल टू R2 3 by 2 अपॉन 2 by 3, दिस इज 9:4। तो आंसर कौन सा आ गया भाई, चौथा आंसर 9:4 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा हीट का है, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल दिख रहा है मेरे को। बेटा आपको क्यू दिया गया है, सबसे पहले आपको निकालना है करंट। हीट निकालने के लिए करंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। जब धारा, जब विद्युत धारा बदलने वाली है, परिवर्तनशील है, तब हमको ये फॉर्मूला बेटा लगाना पड़ेगा। तो आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, अब आई का वाल कहां से कहां तक लेना है बेटा, उसने तो बोला टोटल हीट प्रोड्यूस, टोटल हीट का मतलब जब करंट जीरो हो जाएगी, तो पहले करंट तो निकाले हम लोग, dQ by dt, तो ये कितना a माइनस 2b गुणा t, ये हो गया बेटा करंट का वैल्यू। तो मैं कह दूं यहां से t भी निकाल लो, किसके बराबर आ जाएगा a बट्टा 2b, क्योंकि करंट जीरो होगी तभी तो हीट उत्पन्न होना बंद हो जाएगी। जब तक करंट बहेगी तब तक तो हमारी हीट बनना चालू रहेगी, तो जीरो से लेकर टी तक, वो टी इतना बेटा, ये करंट का वैल्यू यहां पुट करेंगे हम लोग। तो मैं यहां करंट का वैल्यू पुट करता हूं, ए माइनस 2b इंटू टी स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, ठीक बेटा ये हमारी हीट आएगी। पहले स्क्वायर को ओपन कर लूं, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4ab इंटू टी इंटू डी टी गुणा आर,
इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, करे तो देखो ए स्क्वायर इंटू टी प्लस इसका करेंगे 4t³ बट्टे 3 माइनस 4 गुणा ए बी गुणा टी की पावर 2 बट्टे 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां हमारे पास r सब जगह मल्टीप्लाई में, कहां से कहां तक, 0 से t तक, 0 रखोगे तो सब में 0, और t का वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, देखो t का वैल्यू a बट्टा 2b रखा जाएगा। लिख देता हूं बेटा a स्क्वायर a बट्टा 2b आ गया प्लस 4 गुणा 3 b स्क्वायर a की पावर 3 8 गुणा b की पावर 3, t की जगह रख दिया बेटा ये मान मैंने, माइनस 2 गुणा a गुणा b गुणा a की पावर 2 बट्टे 4 गुणा b की पावर 2 हो गया बेटा। ये हमारे पास इसके लिए आ गया, इनटू r सब जगह चलेगा ही चलेगा हमारा साथ में। देखो बेटा ये दो ने दो काट दिया, बी ने एक बी को काट दिया, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया पूरा ही, तो बचा क्या हमारे पास, चार को इसको काट दो, दो आ जाएगा ये बी, तो ये बी बचेगा, ए की पावर 3 बट्टा 6 गुणा बी गुणा आर। चेक कर लेते हैं बेटा आंसर, ये हमारा हीट प्रोड्यूस होएगा, ये देखो ये सवाल का आंसर, ए की पावर 3 आर और बट्टा 6 बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सर्किट को प्रोटेक्ट करता है बेटा, जो अपन को सुरक्षा युक्ति के रूप में काम करता है। गांव में आजकल, गांव में क्या, आजकल जो हमारे घरों में लगता है वो एमसीबी बॉक्स बोलते हैं हम लोग, वो किसका काम करता है, वही तो हमारा फ्यूज वायर हुआ यार, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ कहीं लाइट फॉल्ट हुई तो वो अपने आप ट्रिप हो जाएगा, अपने आप बंद कर देगा, वहां से सर्किट ब्रेक का काम करता है। तो बेटा फ्यूज वायर जो होता है वो किसका काम करता है, हमारा सर्किट में प्रोटेक्शन का काम करता है, सर्किट ब्रेक करके आगे को सुरक्षित कर देगा वो, है ना, तो ये वायर हमारा फ्यूज वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एडी करंट इफेक्ट इज नॉट, बेटा ये तो ईएमआई का सवाल हुआ, ईएमआई जो पढ़ते हैं हम लोग इंडक्शन, अब जिन चीजों में इंडक्शन होता है उसमें एडी करंट का काम आता है, अन्यथा कोई एडी करंट का काम नहीं आएगा। बता विद्युत चुंबक, बिल्कुल आएगा। बता विद्युत हीटर, नहीं, विद्युत हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर में कोई हमारा ईएमआई इसका यूज नहीं आएगा, भंवर धाराओं का कोई काम में नहीं आता, तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, दूसरा, क्योंकि ये तो इंडक्शन पे बेस्ड है, जो चीजें इंडक्शन पे बेस्ड है उन पे तो हमारा इस एडी करंट का यूज आता है, अन्यथा यूज नहीं आएगा। तो विद्युत हीटर जो हमारा गर्म करने का जो हीटर हुआ उसमें कभी भी इसका यूज नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पार्ट ऑफ द सर्किट बोल सकते हैं, केवीएल बोल सकते हैं, मैं कह दूं करंट इधर बह रही है तो इस पे थोड़ा साइन लगा देता हूं, करंट इधर से इधर जाएगी तो ये उच्च विभव ये निम्न विभव, यहां लगाया हुआ है ये फिर से उच्च विभव ये निम्न विभव। बेटा मैं यहां से लिखना चालू करता हूं VA, करंट इधर जा रही है तो विभव में कमी आ रही है, प्रतिरोध पे कितनी कमी आती है, आई गुणा आर 4 वोल्ट, फिर माइनस इधर से इधर गए माइनस 3 वोल्ट, अगेन माइनस 2 वोल्ट, आई गुणा आर बराबर किसके आ गया बेटा, वीबी के, तो VA माइनस वीबी बराबर 5 और 4 9 वोल्ट बेटा, तो आंसर क्या आ गया हमारा, सीधा सा सवाल, बड़ा आसान सवाल, 9 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या दिया गया है, कि चार रेजिस्टेंस है पी क्यू आर, ये चार आर्म्स पे लगे हुए, जैसे मैं बना देता हूं पहले व्हीटस्टोन बना देता हूं बेटा, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ जिसमें चार रेजिस्टेंस लगे होंगे, बीच में क्या लगा हुआ होता है हमारा, गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये हमारे पास बैटरी लगा दी, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया अपन ने, अब ये रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस ऐसे हुआ, हमको क्या दे रखा वो देखते हैं, हमको दिया गया है ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज में एक रेजिस्टेंस पी का 10 ओम बेटा, ये दिया 10 ओम, फिर दिया अपन को ये दिया अपन को 30, 30 और 90, ये 30 हुआ बेटा, ये 30 हुआ और ये 90 ओम हुआ, और क्या दिया वो और देख लेते हैं, हमको दिया गया है कि 7 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, 7 वोल्ट हुआ ये 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, और देखो और दिया गया आपको 50 ओम
उसका गैल्वेनोमीटर का जो ब्रिज रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू दिया गया अपन को, तो बेटा ये 50 जो भी दिया ये आर दिया। अब तो सोच क्या ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? बेटा अगर आमने सामने के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन इक्वल आता है देन इसे बोलते हैं संतुलित बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं बेटा बैलेंस वाला, मतलब ये बेकार हो गया है। अब ये सर्किट काम करेगा कुछ इस तरीके से, ये ऐसा काम करेगा बेटा, ये 10 और 30 मिला के कितना हो जाएगा 40, ये 30 और 90 मिला कितना हो जाएगा 120। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, बना लेते हैं समांतर में है, 40 गुणा 120 बट्टे 40 प्लस 120 हो गया बेटा, तो ये 160 लिख दिया इसको मैंने, जीरो से जीरो काट दिया, ये 10 ये 4 आएगा, ये 3 कितना ओम आया 30 ओम। सोच ये टोटल रेजिस्टेंस किसकी तरह काम कर रहा है, 30 ओम की तरह, ये कितना ओम है 5, तो ये 30 और 5 कितना हो गया 35, तो करंट कितनी आएगी V बाई R, तो 7 बट्टे 35 1 बट्टे 5 0.2 एम्पियर। चेक कर लो आंसर बेटा, हमारे पास 0.2 एम्पियर फोर्थ आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिर से देखो सवाल क्या है, फिर से थोड़ा सा अलग सवाल हो गया, हल्का सा अलग पर सवाल वही है, व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड है हमारा परंतु मीटर ब्रिज का सवाल हुआ हमारा। क्या कहा इसने, इसने कहा जब 5 ओम और 8 ओम लगाया गया है, ये 5 और ये 8, तो बोला गया इसने कि भाई ये L1 ये हमारा ये हुआ संतुलित लंबाई बैलेंस लेंथ जो हुई, लेकिन जैसे ही आपने इस दूसरी कंडीशन ले लेता हूं, ये सेकंड कंडीशन नाम दे दिया, ये फर्स्ट कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, यहां आपने एक R और जोड़ दिया इसके साथ में, इसके साथ में संट लगा दिया, प्रतिरोध R और जोड़ दिया आप समांतर क्रम में। अब क्या हुआ कि जो नया संतुलन प्राप्त हुआ ना बेटा वो 1.6 L1 पे हुआ, तो ये कितना हुआ 100 माइनस 1.6 L1 हो गया। तो दोनों कंडीशन में आमने सामने का संतुलन बना दो बेटा, जैसे मैं इसको लिख दूं, मैं आगे लिखता हूं बेटा 5 इंटू 100 माइनस L1 बराबर R इंटू कितना दिया गया अपन को बेटा L1, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरे के लिए लिखता हूं बेटा, उसमें लिखा जाएगा 5 इंटू 100 माइनस 1.6 L1 बराबर R बाई 2। अब सोचो भाई ये जो इक्विवेलेंट था ये कितना हो गया, अब R बाई 2 का काम करेगा, R और R समांतर क्रम में R बाई 2 हो गया बेटा, इंटू ये कितना 1.6 L1, दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, 5 ने 5 को मार डाला, R ने R को भी मार डाला 1.6, इसको काटेंगे तो 0.8 आ गया। लिख देता हूं 100 माइनस L1 बट्टे 100 माइनस 1.6 L1 बराबर 1 बट्टा 0.8, क्रॉस गुणा कर लो बेटा, 80 माइनस 0.8 L1 100 माइनस 1.6 L1, इसको इधर भेज दिया तो 0.8 बच जाएगा बेटा L1, ये कट जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 20 आ जाएगा, तो L1 का वैल्यू आया 20 यानी 200 बट्टे 8, डिवाइड करते हैं 8 दूनी 16 8 5 40 हो गया, सॉरी L1 आया है मीटर में, सेंटीमीटर में आया ये हमारे पास किसका वैल्यू आया है L1 का वैल्यू सेंटीमीटर में। अब बेटा ये वैल्यू पुट करूंगा इस किसी भी एक में, तो ऊपर वाले में पुट कर दिया 5 इंटू 100 माइनस 25 बट्टे ये L1 कितना है 25 बराबर R आ गया, तो 25 को काट दिया 3 आया, तो R का मान कितना 15 ओम आंसर आया बेटा हमारा। देख लेते हैं आंसर सही है क्या, ये 15 ओम। तो बेटा जो पहले सवाल था हमारा संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, उसी का सवाल ये वाला है, नया सवाल नहीं है ये भी। फिर से देखो, अब की बार आपके पास क्या दिया अपन को, वही मीटर सेतु कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप। देखो किसी मीटर सेतु के बाएं अंतराल में संयोजित
कोई प्रतिरोध तार इसके दाएं अंतराल में 10 ओम को, बेटा एक जो हमारे पास अभी प्रतिरोध लगाए थे उनमें कुछ अलग अलग लिखे गए हैं। अब देखो दाएं अंतराल में कितना लगाया, 10, इसमें क्या लगा दिया हमने, आर लगा दिया। मान लो 10 ओम को उस बिंदु पर संतुलित करता है, बिंदु पर संतुलित जहां पर तार को कितने अनुपात में बांटता है बेटा, 2:3:2 में अनुपात में बांटता है। तो बोला क्या गया, यदि प्रतिरोध तार की लंबाई 1.5 मीटर है तो इस प्रतिरोध के तार की वह लंबाई क्या होगी, यानी जो यहां से प्रतिरोध आएगा, सोच पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, आर निकाल लेता हूं बेटा। देखो आर कैसे निकालूंगा, आर इंटू टू इक्वल टू 10 × 3, तो ये 2 से ये काट दिया, आर का वैल्यू कितना आया हमारा 15 ओम आया, आर का वैल्यू कितना आया हमारे पास 15 ओम, यानी ये रेजिस्टेंस आपके पास आ गया है। बोला क्या गया है, जो यदि तार का तार प्रतिरोध की लंबाई 1.5 मीटर है बेटा, 1.5 मीटर है यानी 15 ओम इसका रेजिस्टेंस आया हुआ है, हम कह सकते हैं ये 10 ओम था ये 15 ओम आ गया है, तो वह लंबाई जिसके लिए 1 ओम की बात करी गई है बेटा, तो ये कितने लेंथ का हुआ, 1.5 मीटर की लेंथ का हुआ बेटा। तो हमको 1 ओम की बात करनी है, 1 ओम के लिए कितना हो जाएगा 1.5/15, तो कितना हो गया 10^-1 मीटर, इतनी लेंथ हमारी रहेगी, यानी आंसर क्या आया चौथा आंसर, 1 मीटर पे कितना प्रतिरोध हुआ, 1 ओम पर कितनी लंबाई रही हमारी, उल्टा पूछ लिया गया। नेक्स्ट सवाल है, अब की बार भी वही व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है, 22 में आया हुआ, कि चित्र में दिखाए अनुसार व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स, एक्स की वैल्यू अपन को निकालनी है, एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस वाई एंड सो, इसको कम ज्यादा करेंगे, शोन इन फिगर द 4 मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एक्स। बेटा देखो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू कब मिलेगी आपको, मैं आपको बता दूं कि ये जो रेशियो था हमारा और ये जो रेशियो है, ध्यान देना, ये जो रेशियो होगा और ये जो रेशियो होगा उसका वैल्यू मुझे बोला गया प्रिसाइज एक्स एंड द पी एंड क्यू, ये क्या है पी एंड क्यू जो है वो लगभग क्या होना चाहिए बेटा, बराबर, मैंने बोला पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू इंटू एक्स, मैंने ये तो कहा थोड़ी देर पहले कि आमने सामने वाले रेजिस्टेंस समान होंगे तो बैलेंस व्हीटस्टोन होगा। मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू जो प्राप्त होगी बेटा वो तब होगी ज्यादातर लगभग वैल्यू अगर ये बराबर है, तो इसमें आंसर देखो शुड बी अप्रोक्सीमेट इक्वल एंड स्मॉल, बिल्कुल सही बात है, शुड बी वेरी लार्ज नहीं, डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट, शुड बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू नहीं बेटा, कौन सा आंसर आएगा शुड बी अप्रोक्सीमेट एंड आर स्मॉल, स्मॉल होने चाहिए और ज्यादा, क्योंकि स्मॉल होंगे तभी इसे मीटर सेतु हम पर पढ़ते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट उसके अकॉर्डिंग होता है, तो ये चीज अपन को मिल गई, तो आंसर कौन सा हुआ लगभग बराबर और छोटे होने चाहिए। नेक्स्ट आंसर देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये सिंपल सवाल, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं सोचना, कहानी बेकार, इतनी सारी कहानी सब बेकार। उसने क्या बोला मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं बेटा, ये हमारे पास में कोई भी एक्सटर्नल था, ये हमने रियोस्टेट लगा दिया, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, यहां पर ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसके साथ में हमने एक बैटरी लगा दी है जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये हमारा ईएमएफ ई हुआ, इसके साथ में कैपिटल आर लगा के छोड़ दिया, इसको गैल्वेनोमीटर से लगाया गया बेटा। देखो पहले क्या बोला गया, जब आर का वैल्यू अनंत है मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, पहली कंडीशन में अगर आर अनंत है तो ओपन सर्किट की तरह, यहां से ओपन सर्किट हो जाएगा, ये कोई रेजिस्टेंस यहां से हो क्योंकि करंट नहीं जाएगी तो ये ओपन की तरह काम करेगा यार ये, तो मैंने कहा कि भाई ये ओपन सर्किट, तो ई पर आप जो लिखोगे आप बैलेंस वो L1 आएगा, देखो बेटा L1 आएगा, फिर बाद में क्या किया, जब R का वैल्यू कितना दिया गया है 9.5 ओम,
तब आप इसके लिए नई रीडिंग लिखोगे, वो रीडिंग L2 आएगी। तो फाइनल जो फॉर्मूला आएगा वो आपको ये रट लेना बेटा, L1 बट्टे L2 माइनस 1। R का वैल्यू 9.5 है। अब मैं L1 L2 का वैल्यू देख लेता हूं बेटा। जब इंफिनिटी लगाया है तो बैलेंस ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इज 3 मीटर, 3 मीटर हुआ, और जब 9.5 लगाया तो 2.85 हुआ। तो यानी 3 बट्टे 2.85 माइनस 1। थोड़ा सा एलसीएम ले लो, 9.5 गुणा 0.15 बट्टा 2.85। इसको हल कर लेते हैं बेटा हम लोग। देखो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 से काटेंगे, ये आएगा 15, 5 से काट देते, 5 3 5 5 25, 3 5 57, ये 3 से काट दिया 19, ये 95, 0.5 आया हमारा। तो देख लेते हैं एक बार आंसर कितना आएगा बेटा, 0.5। तो एक फिक्स मेथड है इन, देखो लैंग्वेज कितनी बड़ी दी है, कोई काम की लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ इतना पता करना है इस लैंग्वेज से कि आपको निकालना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। कहानी यहां से शुरू हुई हमारे सवाल की, L1 L2, ये जब R अनंत था मतलब ओपन सर्किट की तरह, ये जब 9.5 ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का, फिर से पोटेंशियोमीटर का है। एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ हमारी 4 मीटर है बेटा, एंड रेजिस्टेंस 8 ओम है। रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर एंड एन एक्यूमुलेटर ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट सो दैट इट गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 मिली वोल्ट। बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा वी बाई एल, वो आपको कितना दिया गया है, 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। मैं मीटर में कन्वर्ट कर दिया बेटा इसको, किसमें आएगा ये 10 की पावर माइनस 1 वोल्ट पर मीटर हुआ। ठीक, उसने बोला कि भाई कितना रेजिस्टेंस डालें कि इतना हो, बताओ वोल्टेज ड्रॉप ऑन वायर, रेजिस्टेंस वायर पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ कितनी है इसकी बेटा, 4 मीटर, यानी 0.4 वोल्ट आएगा। ये समझो, या आपने कोई बैटरी लगाई है या आपने कोई आर लगाया, कितने वोल्ट की बेटा ये 2 वोल्ट की, या आपने कोई वायर लगाया है इसका रेजिस्टेंस कितना आपका 8 ओम। ठीक, इस वाले वायर पे कितना वोल्टेज गिर रहा है, 0.4 वोल्ट। तो इस वाले रेजिस्टेंस पे कितना ड्रॉप हुआ होगा बेटा, 1.6 वोल्ट रेजिस्टेंस पर ये हुआ होगा। तो करंट बता सकता है इसके लिए बेटा, वायर से जो करंट जाएगी वो V बाई R होएगा बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 बट्टा 2, ये हमारी आई डब्ल्यू आ गई बेटा, I आ गई। अब V है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस आपको निकालना है, R इज इक्वल टू V बाई I, I कितना हुआ 0.1 बट्टे 2, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 32 ओम रेजिस्टेंस आया बेटा। यानी आपने कितना रेजिस्टेंस लगाया होगा ये 32 ओम। बेसिक सर्किट जैसा सवाल हुआ है पोटेंशियोमीटर के नाम से, लेकिन बेसिक सर्किट जैसा सवाल। अगला बोला कि एक विभव मापी के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, इसके सिरों को नियत विभवांतर बनाए रखा है, दो सेलों को श्रेणी क्रम में पहले एक दूसरे की सहायता करते हुए फिर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, जिससे शून्य विक्षेप स्थिति पर 50 और 10 सेंटीमीटर दूरी प्राप्त होती है। देख बड़ा क्या सवाल दिया है, यह हमारा कोई भी पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है, यह हमारा पोटेंशियोमीटर वायर हुआ बेटा। उसने बोला कि दो सेल लिए हमने, ये दो सेल लिए बेटा, EMF E1, E2, R1, R2, जब इसको जोड़ा गया गैल्वेनोमीटर से तो कितनी लेंथ आई है बेटा, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लेंथ आई है हमारी इसको जोड़ने पर। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं E1 प्लस E2 साथ देने की स्थिति में बराबर X गुणा L1, L1 लिख दिया 50 को मैंने। जब ये अपोज करने की स्थिति में लगाए गए बेटा ऐसा,
तब जो रीडिंग आई है हमारी वो E1, ये E2, अब कितना लिखा होगा E1 माइनस E2 बराबर x इंटू एल टू। बेटा x तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है जिसको अपन ने कैंसल कर दिया है, तो E1 बट प्लस E2 बराबर E1 माइनस E2 बराबर कितना रीडिंग है एक बार देख लेते हैं बेटा जी, 50 है और बाद में 10 हुआ हमारा, यानी 50 बट्टे 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, E1 प्लस E2 बराबर 5 E1 माइनस 5 E2, E2 को इधर ले आया 6 E2 बराबर 4 E1 काट दिया 3 बट्टे 2 बराबर E1 बट्टा E2, ये विद्युत वाहक बल का अनुपात हुआ हमारा 3 बट्टा 2। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखो, बेटा 32 नंबर सवाल क्या दिया है कि विद्युत वाहक बल का एक पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। बेटा एक सवाल होता है बोर्ड की क्लास में भी होता है, नीट के लिए भी, ये एनसीईआरटी की लाइन होती है हमारी। क्या सवाल होता है देखो बेटा, एनसीईआरटी से बाहर वैसे तो कुछ है ही नहीं हमारा, यहां आप देखोगे कि क्या लाइन होती है। आप सवाल बोलता है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि पोटेंशियोमीटर इज मोर सूटेबल, मोर सूटेबल देन वोल्टेज वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर जो होता है मोर सेंसिटिव होता है किसकी तुलना में बेटा, वोल्टमीटर की तुलना में। इसका कारण क्या है बेटा, वोल्टमीटर जो मेजरमेंट करता है, देख जैसे मान लो कि तेरे पास ये रेजिस्टेंस है, तू चाहे कितना ही अच्छा वोल्टमीटर ले ले, इसमें कुछ भाग तो करंट का जाएगा ही जाएगा, मतलब 100% एक्यूरेसी इसमें मेजरमेंट नहीं होगा। लेकिन पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, ये पोटेंशियोमीटर वायर हुआ हमारा, इसके साथ में कोई भी आपने सेल लगा दिया सॉरी बेटा, ये सेल लगा दिया। अब बताइए ये जो रीडिंग आती है वो कब आती है, जब इसमें से कोई करंट पास ही नहीं होती तब आती है, तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी बेटा ये, तो कौन सा होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं, कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होती, इसलिए ये एक्यूरेट वैल्यू पास मेजर करता, जबकि ये गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है वोल्टमीटर। जैसे मैंने कहा ये गैल्वेनोमीटर था, इसके साथ में हम लोग एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे R, अलग से बड़ा रेजिस्टेंस, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वोल्टमीटर बन जाएगा बेटा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, सेकंड आंसर। अगला सवाल है, इन ए पोटेंशियोमीटर सर्किट ए सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट बैलेंस 0.36 लेंथ ऑफ वायर, इफ अनदर सेल ऑफ ईएमएफ 10 रिप्लेस द फर्स्ट सेल एंड देन व्हाट लेंथ। सिंपल सवाल बेटा, ईएमएफ बराबर एक्स इंटू एल, E1 बट्टा E2 बराबर L1 बट्टा L2, E1 का मान कितना दिया 1.5, E2 का मान 2.5, E1 का बैलेंस कितना है 36, दूसरा आपको निकालना कर लो, 5 हो गया, 5 से काट दिया तो ये हो गया हमारे पास 12, तो L का मान कितना है बेटा 12 इंटू 5 60 सेंटीमीटर। तो सीधा सवाल, कोई सोचने वाली बात नहीं है बेटा, 60 सेंटीमीटर हमारा फोर्थ आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्किट जैसा सवाल ही है, बड़ा सवाल तो इसको भी नहीं कह सकते हम लोग। हमको बोला गया ये तो वी नोड है बेटा, हमको बोला गया कि सी पॉइंट है एक, ये सी पॉइंट, बिंदु ए से विभव मापी के तार ए बी की लंबाई के एक चौथाई दूरी पर है, ये जो लेंथ है बेटा वो L बाई फोर है हमारी, ये कितनी है 3L बाई फोर हुआ। यदि तार AB का प्रतिरोध, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना बेटा हमारा AB है, AB का R नोड है, मैं बनाता हूँ सर्किट नया, देखो नया सर्किट बना रहा हूँ मैं, ये लो बेटा जी, ये V नोड है, ये R नोड बाई फोर, 3R नोड बाई फोर, और ये कितना हमारा R हुआ, इसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया बेटा इसको, इसको पैरेलल में तो पैरेलल लिख दिया, ये अलग हुआ हमारा, इसको अलग लिख दिया, V नोड के साथ में लिख दिया। हमको पूछा क्या है, प्रतिरोध R के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R, कैपिटल R, मतलब ये पूछा आपसे ये डिफरेंस कितने का आएगा। मैं एक काम कर लेता हूं, पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट लिख लेता हूं बेटा,
देख कितना आएगा इक्विवेलेंट इसका, इसका लिखा जाएगा किस पे पूछा, एक मिनट दोबारा देख लेते बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, आर पे पूछा अपन से। तो एक काम करते हैं हम, आर ये निकाल लेते पहले, तो आर नोड बाई फोर इंटू आर बट्टे आर नोड बाई फोर प्लस आर, ये जो भी आएगा ये आएगा, मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो आर इंटू आर नोड, ये एलसीएम से चार कट गया है, तो आर नोड प्लस चार आर। अब बताओ बेटा टोटल रेजिस्टेंस लिखना हो सर्किट का तो क्या लिखा जाएगा हमारा, टोटल रेजिस्टेंस जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, देखो ये एक बार ये ले लेते हैं हम लोग, टोटल रेजिस्टेंस ये हुआ, तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा आर इंटू आर नोड अपॉन आर नोड प्लस फोर आर प्लस, बताओ कितना रेजिस्टेंस है ये, थ्री आर बाई फोर, क्योंकि ये सीरीज में हुआ। फिर से एलसीएम ले लेते हैं, चार इंटू आर नोड प्लस फोर आर इंटू आर नोड, तो लिखा जाएगा फोर आर आर नोड प्लस थ्री आर नोड इंटू आर नोड प्लस फोर आर। ये टोटल इक्विवेलेंट आया बेटा, देख लेंदी है हमारा, कैलकुलेटिव है, आर नोड कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, यहां से लिखा जाएगा 4R, देखना इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 16, 16R प्लस 3R नोड अपॉन 4 गुणा R नोड प्लस 4R, ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, R इक्विवेलेंट का। अब क्या करोगे बेटा, करंट निकालोगे, करंट कैसे निकालोगे, देखो I बराबर V बाई R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कितना है 16R प्लस 3R नोड बट्टे नीचे वाला टर्म 4 गुणा R नोड प्लस 4R, ये करंट आ गई हमारी, समझ में आ गई, ये करंट आ गई। अब बताओ यहां पर वोल्टेज ड्रॉप चाहिए बेटा आपको, तो मैं कह दूं ये R इक्विवेलेंट इंटू ये I, तो I इंटू R वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, I कितना है 4 गुणा V नोड R नोड प्लस 4R बट्टे 16R प्लस 3R नोड इंटू R इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट कितना है ये वाला, तो ये लिखोगे R इंटू R नोड बट्टे R नोड प्लस 4R, ये लो। अब हल करते हैं इसको, ये कैंसिल हो गया, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बच गया बेटा, चेक करते हैं आंसर कौन सा आएगा, देखो 4V नोड ये रहा, सीधा आंसर मिल गया अपन को बेटा, ये खत्म कहानी, ये सवाल का आंसर मिल गया, अपन सोल्व करके लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बेटा हमारे पास, हमको दिया गया है करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर का, मैं ऐसा लिख देता हूं बेटा इसके लिए, देखो 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है ना, तो ये देखो क्या लिखा गया है, इसको हम लोग आई निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा 1/5 मिली एम्पियर पर डिवीजन, ये आ जाएगा। ऐसा ही हम कहेंगे डिफ्लेक्शन पर यूनिट वॉल्यूम अप्लाइड, पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड, ये दिया गया बेटा, तो मैं V लिख दूंगा 1/20 वोल्ट पर डिवीजन, तो बेटा R निकालना, R का वैल्यू क्या होगा V बाई आई, V का वैल्यू 1/20 इंटू I का वैल्यू 1/5 और ये हो जाएगा 10^-3, तो इसको लिखूंगा बेटा 5×10^3/20, देख लो ये 20, तो ये हमारे पास 100 हो गया बेटा, एक जीरो काट दिया 500, तो ये 250 हो गया बेटा ओम, तो रेजिस्टेंस कितना आया 250 ओम रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमीटर गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ सवाल है, इसने बोला कि भाई एक एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट, ये जो भी मेन करंट आएगी आई हमारी, इसमें एक जगह लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर और दूसरी जगह आपने क्या लगाया बेटा संट रेजिस्टेंस लगाया, ये जो करंट गई इसमें वो गई 0.002 एम्पियर मान लो, और ये जाएगी 0. कितनी बेटा
998 एम्पियर। देख लेना एक बार, इतनी करंट इसमें और इतनी करंट इसमें जाएगी। बोला गया कि इसका जी है तो एस का वैल्यू क्या होगा, एमने नहीं, आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया। तो पहले एस निकाल लें बेटा हम लोग। एस कैसे निकालेंगे कि आई वन अपॉन आई टू, समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो आई वन, आई वन को लिखूंगा 0.002 0.998 बराबर, आर टू को लिखूंगा एस इंटू जी, दो कट जाएगा, ये हमारे पास में बेटा आ जाएगा 499। तो हम लोग जी का वैल्यू दिया हुआ है, एस का वैल्यू निकालेंगे तो जी बट्टा 499। अभी तो एस का वैल्यू आया है, हमको क्या चाहिए बेटा, टोटल रेजिस्टेंस। तो बेटा एस आया, अब मैं रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर लिखूंगा तो एस इंटू जी बट्टा एस प्लस जी लिखा जाएगा बेटा। तो ये लिखूंगा एस की जगह जी बट्टा 499 गुणा जी बट्टा 499 प्लस जी। एलसीएम ले लो बेटा जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में जी बट्टा 500। देख लो ये हमारा आंसर आएगा, तुम चेक कर लेते हैं बेटा जी बट्टा 500। देखो कौन सा सवाल हो, ये रहा जी बट्टा 500 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ किसका, टोटल एमिटर का। अगर गैल्वेनोमीटर का पूछता तो बेटा ये सवाल का आंसर होता इसका, संट का रेजिस्टेंस कितना, कितना संट जोड़ा तो वो ये वाला जोड़ा हमने। टोटल रेजिस्टेंस तो हम लोग समांतर क्रम का फंडा लगा के हल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 37। देखो भाई इसने बोला कि एबीसी 3 वोल्ट मीटर है, एक का रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस 1.5 आर है, इसका रेजिस्टेंस कितना बेटा 3 आर। एक बात तो सत्य है, बी और सी वोल्ट मीटर इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा बी और सी समांतर में तो वीबी बराबर वीसी आएगा ही आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब बेटा इस रेजिस्टेंस के रेशियो के अकॉर्डिंग देख लेते हैं भाई, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा वो लिख देता हूं। समांतर क्रम में पैरेलल हुआ 1.5 आर इंटू 3 आर अपॉन 1.5 आर प्लस 3 आर, ये आर इक्विवेलेंट हो गया इस भाग का। तो ये कितना आएगा, ये 4.5, ये 4.5, तो बेटा ये तो आर ही आ गया, यानी जितना रेजिस्टेंस इसका है उतना इसका है। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप इन पे हुआ उतना ही ए पे हुआ, तो ए का वोल्टेज भी क्या रहेगा बेटा सेम। तो आंसर आएगा हमारा सेकंड आंसर, वोल्टेज जो सीरीज पैरेलल में अपन डी, पैरेलल में तो सेम होना ही था, सीरीज में इनका और इनका सेम इसलिए आ गया क्योंकि रेजिस्टेंस सेम हो गया, क्योंकि सीरीज में वी प्रोपोर्शनल टू आर हुआ करता है। रेजिस्टेंस सेम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा बेटा सीरीज में समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38। नीचे दर्शाए गए परिपथ में वोल्टमीटर और एमीटरों के पाठ्यांक होंगे। जब बेटा सर्किट में आपको वोल्टमीटर एमीटर अगर दिए गए हैं और कोई उनके बारे में कुछ कहानी नहीं लिखी कि वो आदर्श यानी आइडियल है या नॉन आइडियल है, तो आपको सर्किट में हमेशा क्या मान के चलना है कि वो आइडियल एमीटर और वोल्टमीटर है। इसका मतलब सोच, आइडियल होने का मतलब इसमें कभी भी करंट नहीं जाएगी। इसका कोई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना जीरो, इसका रेजिस्टेंस कितना बेटा इंफिनिटी। तो जितना जीरो वोल्ट यहां भी कितना जीरो वोल्ट, यहां 10 वोल्ट तो यहां भी कितना 10 वोल्ट। क्या इस पर वोल्टेज ड्रॉप 10 का आएगा तो V1 का रीडिंग कितना आएगा भाई 10 वोल्ट आएगा। बता धारा ये, इसका कोई रेजिस्टेंस हम काउंट नहीं करेंगे तो यही तो करंट जाएगी हमारी, कितनी गई होगी बेटा 10/10 मतलब V बट्टा R हमारा, और कोई रेजिस्टेंस हमने काउंट सीरीज में नहीं किया। तो कितना एम्पियर आया A1 का रीडिंग हमारा 1 एम्पियर। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन में, इधर 10 लगाकर V2, इसका रेजिस्टेंस कितना है रे भाई अनंत। क्या ये तो पहले भी ओपन सर्किट में था, अब भी किसमें होगा ओपन में, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो V1 और V2 किसके बराबर आ गया बेटा, समान आ गया एक दूसरे के बराबर, ये भी कितना 1 एम्पियर। तो V1 बराबर V2 और I1 बराबर I2, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तो ये हमारे पास
कंप्लीट हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक बेटा, तो सभी को गुरुनीति का 11th टॉपिक था हमारा ये। थैंक यू।